में आते हैं, हैं, का लेवल क्या होता है? इन सब के डाटा दिए हुए तो जितनी भी टेबल्स दी हुई हैं। उन सब के डाटा आपको करना जरूरी नहीं है या टार्टिक टार्टिक चलो या हम ढंग से पढ़ लेते हैं तो 86 परसेंट पेपर यहाँ से कवर हो रहा है और 86 परसेंट का मतलब हम अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट आई एम विनीत गंगवाल केमिस्ट्री फैकल्टी एंड मेडिकल कोटी मेंबर और मेरे साथ हैं योगेश मालो सर हेलो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री फैकल्टी एंड मेडिकल को मेंबर हम दोनों को एलन पर 23 थ्री ईयर से भी ज्यादा का केमिस्ट्री का टीचिंग एक्सपीरियंस है आप सभी स्टूडेंट्स का टारगेट नीट टू टू में बेस्ट रैंक के साथ सेलेक्ट होना है तो आपको नीट के एग्जाम का पैटर्न और लेवल पता होना चाहिए Neat में कैसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या होता है आपको एग्जाम ओरियंटेड प्रिपरेशन करना चाहिए डियर नीट एस्पिरेंट्स, आपको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए और आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने के लिए एलन ने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है एलन नीट उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां जाकर आप लिंक को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नीट टू में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो से 200 हंड्रेड क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 50 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे नीट में केमिस्ट्री के पेपर का लेवल इजी या मीडियम रहता है केमिस्ट्री के थ्री पार्ट्स की बात करें तो फर्स्ट पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन तीनों पार्ट्स का नेचर डिफरेंट होता है तो आपको इनको प्रिपेयर करने का तरीका भी आपका डिफरेंट होना चाहिए इन तीनों पार्ट से नीट में लगभग इक्वल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट पर आएं तो फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब बच्चे सिर्फ न्यूमेरिकल ही समझते हैं ऐसा नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको थ्योरी को बहुत ढंग से पढ़ना है और कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाना है ठीक है इसमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की काफी जरूरत होती है साथ ही साथ जितने भी फॉर्मुले हैं उन सबको आप अलग से नोट कर लें एक फॉर्मूला शीट बना लें फिजिकल केमिस्ट्री में नेट से लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 10 टू 12 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करते ही इजी कैलकुलेशन से आंसर आ जाता है मुश्किल से थ्री टू फाइव क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन की मेहनत करनी होगी या थोड़ा लेंदी होगा अगर फिजिकल केमिस्ट्री में इलेवंथ वाले पार्ट से देखें तो क्म वाला चैप्टर साथ ही साथ थर्मोडाइनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ वाली फिजिकल केमिस्ट्री को देखें तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स या यूं कहें ट्वेल्थ की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है यह भी आपको आगे वेटेज चार्ट से भी क्लियर हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीआरटी बुक की अगर हम बात करेंगे तो एनसीआरटी से सॉल्व एग्जाम्पल और इंटेक्स क्वेश्चन आप सॉल्व करें साथ ही साथ चैप्टर जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री है सॉलिड स्टेट है इसको एनसीईआरटी से एक बार जरूर रीड करें नेक्स्ट आता है आपका पार्ट ऑर्गेनिक एंड एनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दोनों पार्ट्स का नेचर सिमिलर होता है इन दोनों पार्ट्स में आपको थ्योरी एंड कंसेप्ट को समझने के साथ साथ कुछ फैक्ट्स को याद भी रखना होता है अगर बात करें यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको हम फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट नॉमन एंड आइसोमेज इस पार्ट से नीट में इजी एंड बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इस पार्ट में इजी एंड बेसिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है नेक्स्ट पार्ट जीओसी वन जर्नल ऑर्गेनिक फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड कंसेपचुअल पार्ट है इस पार्ट से नीट में ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेन ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर तो आपको जीओसी वन में ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है क्ट जियोसी टू रिएक्शन बेस्ड पार्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पार्ट से नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन को याद नहीं करना होता है आप रिएक्शन का मैकेनिज्म समझें और उस पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें आप जियोसी टू में कमर्जियल बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें इस पार्ट में आपको रिएजेंट्स के फंक्शंस भी लर्न करने होते हैं कौन से रिएजेंट का फंक्शन क्या होगा यह आपको होना चाहिए जियो से नेम से नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जितने भी फेमस नेम हेलोफॉर्म रिएक्शन कैनियारो रिएक्शन वुड्स रिएक्शन जितने भी फेमस नेम है उनसे नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका फोर्थ पार्ट की बात करें बायोमोलिक्यूल पॉलिनर्स इन एवरे लाइफ सेपरेशन एंड नॉलेज बेस्ड पार्ट है थोरेटिकल पार्ट है बट इस पार्ट से नीट में थ्री टू फोर क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं अगर एनसीआरटी की बात करें तो नीट के लास्ट सिक्स के पेपर्स का एनालिसिस किया जाए तो बायो के साथ साथ केमिस्ट्री में भी एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं आईओसी एंड ओसी में एनसीआरटी बुक्स के सभी टॉपिक्स को पढ़ना है अगर आप सभी टॉपिक्स नहीं पढ़ पाए तो एटलीस्ट वो टॉपिक जिनसे कि नीट में क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं बात करें यहां पर ऑर्गेनिक का लास का लास्ट पार्ट पॉलीमर केमिस्ट्री लाइफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन इससे एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं तो इन टॉपिक्स में आपको एनसीआरटी की लाइन टू लाइन आपको प्रिपेयर करना है स्टूडेंट जैसा कि सर ने आपको ऑर्गेनिक के बारे में गाइड किया इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो पढ़ने का तरीका भी काफी हद तक ऑर्गेनिक की जैसा ही है इसमें आपको थ्योरी और कंसेप्ट को बहुत स्ट्रांग बनाना है वर्ड आते ही, दिमाग में सबसे ज्यादा आता है एक्सेप्शन एक्सेप्शन या का मतलब ही हम समझ जाते हैं तो एक्सेप्शन को जहां रीजन दिया है उसको समझना भी है और कुछ जगह आपको लर्न भी करना होगा जैसा कि अभी सर ने कहा था ऑर्गेनिक इनग्निक में एनसीआरटी का वेटेज आजकल बढ़ता जा रहा है तो एनसीआरटी से जैसे ब्लॉक वाला चैप्टर साथ ही साथ केमिकल बॉन्डिंग इनको तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है अगर जैसे आप देखें पी ब्लॉक तो उसमें फिफ्टीन ग्रुप एलिमेंट्स की टेबल्स दी हुई हैं और काफी सारी टेबल्स अलग अलग चैप्टर में भी दी हुई है तो उसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज दी हुई हैं उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन एनथेलपी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट रेडियस आयनिक रेडियस इन सब के डाटा दिए हुए हैं तो टी में जितनी भी टेबल्स दी हुई हैं उन सब के डाटा आपको लर्न करना जरूरी नहीं है सिर्फ उनको एक बार रीड करें एक ट्रेंड देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर किस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर किस तरह से है तो जहां वैल्यू में कुछ चेंज नजर आए अलग हटकर कोई नजर आएगा जो ट्रेंड चल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर वैल्यू कुछ अलग हटकर नजर आती है तो वही एक्सेप्शन होगा उसको आप ढंग से याद रखें साथ ही साथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में एक प्रॉब्लम और स्टूडेंट फेस करते हैं कि इसको पढ़ लेते हैं काफी कुछ याद भी हो जाता है बट कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं तो हम यही सजेस्ट करेंगे इसका एक ही तरीका है मल्टीपल रिविजन ऑर्गेनिक में जितना ज्यादा रैपिड एंड फ्रिक्वेंट रिविजन होगा ये पार्ट उतना ही आपका स्ट्रांग होता रहेगा नीट के लास्ट सिक्स इन के पेपर्स को देखें तो हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक से नीट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको ट के सिलेबस के सभी टॉपिक्स को कम से कम नीट लेवल तक प्रिपेयर करना है आपको केमिस्ट्री किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है चाहे टॉपिक इंटरेस्टिंग हो या टॉपिक बोरिंग हो टॉपिक कंसेप्चुअल हो या टॉपिक थ्रिटिकल हो आपको सभी टॉपिक्स को कम से कम नीट लेवल तक प्रिपेयर करना ही है स्टूडेंट जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको सर ने बताया था कि नीट का पेपर ट्रेडिशनल होता है जो ट्रेंड चला आ रहा है जनरली वही फॉलो होता है तो पिछले सिक्स ईयर में नेट का पेपर नाइन टाइम्स हुआ है तो उसी का एनालिसिस करके हमने एक वेटेड चार्ट प्रिपेयर किया है जिसमें चैप्टर्स को रैंकिंग दी है कि किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए तो अगर इस वेटेड चार्ट को देखें तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा इनऑर्ग्निक में से एसपीडीएफ ब्लॉक वाले चैप्टर से आए नाइन पेपर हुए उसमें टोटल 365 क्वेश्चन आए हैं उसमें से सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन सिर्फ ब्लॉक वाले पार्ट से आए तो ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है या और यूं कहें ऑन एवरेज पर ईयर ब्लॉक वाले पार्ट से सेवन क्वेश्चन नेट में आए हुए हैं और ये एटीन परसेंट पार्ट पेपर का कवर कर लेता है ऑर्गेनिक में टॉप रैंकिंग पर है ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप इससे ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन आए हुए हैं ऑन एवरेज थ्री क्वेश्चन पर ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में टॉप रैंक पर देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 18 क्वेश्चन आए हुए या यूं कहे टू क्वेश्चन पर ईयर आए केमिस्ट्री में अप्रोक्सिमेटली थर्टी चैप्टर हैं तो उसमें से टॉप फिफ्टीन चैप्टर आपके सामने हैं अगर मैं इन सब का सम करता हूं तो ये आता है अप्रॉक्स 86 परसेंट या यू कहें अगर इन टॉप 15 चैप्टर को हम ढंग से पढ़ लेते हैं तो 86 परसेंट पेपर यहां से कवर हो रहा है और 86 परसेंट का मतलब हम अप्रोक्सिमेटली 155 प्लस मार्क्स इन चैप्टर को कवर करके स्कोर कर सकते हैं बट आपका टारगेट ओनली 155 मार्क्स नहीं होना चाहिए आपका टारगेट 180 आउट ऑफ 180 होना चाहिए और उसके लिए आपको केमिस्ट्री के सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा अगर आप देखें यहां पर तो बटलर जी इससे नाइन ईयर्स में टेन क्वेश्चन पूछे गए एवरेज वन क्वेश्चन पर ईयर पॉलीमर्स बहुत स्मॉल टॉपिक है ओनली फोर पेज का टॉपिक है इसे नीट में भी हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप देखें इन सभी टॉपिक्स को आप देखते हैं लास्ट में में मतलब क्या कि इयर्स वन टाइम यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ध्यान टॉपिक आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना है किन टॉपिक्स का वेटेज क्या है उसके अगर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें स्टूडेंट्स आपको इस वेटेज चार्ट की पीडीएफ कमेंट बॉक्स में मिल भी जाएगी साथ ही साथ ये तो अभी केमिस्ट्री का सिर्फ हमने एक ओवरव्यू दिया है डिटेल में एनालिसिस कि जितने भी टॉपिक हैं, उनमें और जो सब टॉपिक हैं, उसमें किस लेवल तक आपको पढ़ना है क्या इंपॉर्टेंट है किन बातों का और ध्यान रखना है उसकी इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी विश यू ऑल द बेस्ट थैंक्स एंड लक फॉर नी टू